Alright, so bachcho, welcome back to our channel Yo Yo Bio. Today we are going to talk about how to write board exam papers. अच्छा, अब board exam का paper pattern हम लोग सब ने देखा हुआ है कि वो paper pattern में starting में MCQs आते हैं, उसके बाद 1-1 mark के answer आते हैं. अच्छा, maths में MCQ आते हैं, उसके बाद 1 mark का नहीं आता, direct 2 marks का आता है, correct है? फिर 3 marks का आता है और 4 marks का आता है. Whereas फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये ट्रेंड तो कॉमन है कि स्टार्टिंग में एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज के बाद 1-1 मार्क का आंसर आता है और उसके बाद 2-2 मार्क का, फिर 3-3 मार्क का और 4 मार्क का. नाउ द पॉइंट इज कि कभी भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखो ना, तो सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक आपको क्या याद रखना चाहिए. अगेन इसमें वापस से देखो, कुछ बातें ऐसे बताऊंगा जो आपको पता होंगी शायद, मतलब कैसा कि कुछ लोगों को पता होंगी और कुछ बातें ऐसे बताऊंगा जो शायद उनको नहीं पता होगी, दूसरों को पता होगी. तो हम लोग सब कुछ है ना समराइज करके सारे पॉइंट्स एक फ्लो में कवर करते हैं. जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखो ना, आपके हाथ में जैसी आंसर शीट आए या क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है, सबसे पहले आपको उसको चेक करना है. ओके, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में टीचर आंसर शीट देता है ना, तो आंसर शीट में सबसे पहले ना उसको चेक करो. ये सबसे बुरी आदत हो जाती है कि आंसर पेपर क्वेश्चन पेपर मिला, बच्चे सीधा लिखना चालू करते हैं. पहले चेक करो उसको कि पेपर को आप टर्न करके देखो, पेपर में कोई डिफेक्ट, डैमेज या प्रिंटिंग या फिर मिस प्रिंटिंग या लाइट फेडिंग ऐसा कुछ ना हो. आंसर शीट में भी ध्यान से देखो कि जब आप पेजेस टर्न कर रहे हो तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि सब कुछ एकदम अप्रोप्रिएट है. सबसे बुरा ये होता है बच्चे जब लिखते हैं कभी कभार, मान लो कोई पेज डैमेज है या उल्टा सीधा है, ठीक है, देन दे रियलाइज अरे ये तो आगे से फटा है सबका सब पेजेस. तो वैसा नहीं होना चाहिए. सबसे पहले आपको पेपर चेक करना है, आंसर शीट मिला उसको चेक करो, उसके बाद आप अपना जो भी मार्जिन वगैरह ड्रॉ करना है प्रोसीजर चालू करो. सेकंड, वैसे क्वेश्चन पेपर मिला तो क्वेश्चन पेपर को पहले चेक करना, और चेक करने के बाद चालू करने से पहले आपको क्या करना है, उसको रीड करना है. मेरे बच्चों एकदम अच्छे से याद रखो कि स्टार्टिंग के कम से कम 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है. ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है, बट एटलीस्ट उसको जनरली एक बार रीड कर लेना है. रीड करने से क्या फायदा होता है, रीड करने से कैसा है ना कि आपके माइंड में एक प्लान बनने लगता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, इजी है कि टफ है, ओके, छोटा आया है कि लेंदी आया है. तो आपको है ना, जब आप ब्रीफ आंसर देखते हो, डेरिवेशन देखते हो, लास्ट का 4 मार्क वाला, तो आपको आइडिया आ जाता है कि अरे सब ही एकदम लंबे लंबे आंसर पूछे हैं, सब में डायग्राम है, थियरी है भर भर के, तो यू कैन प्लान योर पेपर वेरी वेल. कोई भी बच्चा पेपर डायरेक्ट नहीं लिखेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करने का. अच्छा, जब क्वेश्चन पेपर को रीड करो ना, तो उसका एक और एडवांटेज ऐसा होता है कि बहुत सी बार हमको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते. जब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 2 में 5 अटेम्प्ट करना है, हमको 4 ही आ रहे हैं, बाकी ऑप्शन में से हम लोग कितना भी सोच रहे बट हमको नहीं समझ में आ रहा है. बट अगर तुमने क्वेश्चन पेपर पहले से पढ़ के रखा है ना, तो माइंड बैकग्राउंड में काम करना चालू कर देता है. एंड मेनी टाइम्स कैसा होता है ना कि अगर आप डायरेक्ट लिखना चालू कर दिए और फिर आप अचानक से क्वेश्चन पे आपने देखा कि अरे ये तो मेरे को आ रहा नहीं है, तो आप पैनिक मोड में चले जाते हो. जैसे जस्ट लाइक जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में होता है कि मान लो कोई दरवाजे के पीछे छुपा है, हम लोग बाहर गए, उसने हमको डरा दिया, अचानक से डरा, हम डर गए. और अगेंस्ट दिस मान लो हमको दिख गया वो दरवाजे के पीछे छुपा और अपने को मालूम है ये अभी अपने को डराने वाला है, तो अपन नहीं डरेंगे, वो डरेगा. करेक्ट है. दिस इज कॉल्ड एज प्रिपेयर्डनेस ऑफ द माइंड. जब आप क्वेश्चन पे अचानक से आओगे ना, आपका माइंड पैनिक में जाएगा. सो बेटर है आराम से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, तो माइंड अपने आप है ना प्रिपेयर करने लगता है कि भाई वो आंसर से रिलेटेड कुछ आता है क्या. और कई बार तो ऐसा होता है जब आप आंसर पे आते हो ना, तो 1-2 पॉइंट आपको स्ट्राइक हो जाते हैं, ओके, और वही अगर आप अचानक से उसको अटेम्प्ट किए रहते बिना पढ़े, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है और फिर उसमें क्या है, नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं. सो दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, देन कमिंग टू एमसीक्यू. एमसीक्यू में डू नॉट राइट क्वेश्चंस. आप कभी भी कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में उसका क्वेश्चन मत लिखना. फिजूल टाइम वेस्ट नहीं करने का, वो क्वेश्चन लिखने के पीछे एग्जामिनर आपको एमसीक्यू में से एक में से 2 नहीं दे देगा वो, ठीक है. तो अगर आपका एमसीक्यू राइट है तो राइट है, आपको क्या करने का, एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर लिखने का बेटा, ओके. सप्लीमेंट जो है, जो आपको आंसर शीट मिलती है, उसमें मार्जिन ड्रॉ करना नहीं ड्रॉ करना इट इज नॉट कंपलसरी, बट अगर आप ड्रॉ करते हो तो एटलीस्ट कैसा है, एक मार्जिन है उसके बाजू में और एक मार्जिन ड्रॉ करो, क्योंकि आपको कैसा है क्वेश्चन के अंदर जो सब क्वेश्चंस होते हैं उसका नंबर लिखने के काम आएगा.
ओके एमसीक्यू में जैसे आपने लिखा कि फर्स्ट वाला और आपको लगा कि इसका आंसर बी है तो बी लिखो और वो जो वर्ड है ना वो पूरा लिखो वर्ड वहां पे। जैसे लेटर से सपोज फॉर एग्जांपल हमसे पूछा द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड आई फाइंड दैट ये फर्स्ट वाले का आंसर ए है सो आई विल राइट द आंसर इज टेस्टिस। तो आप ऐसा प्रॉपरली लिखो नंबर और ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन है और उसका वर्ड लिखो। ये समझा बेटा? अप्लाई दिस फॉर ऑल एमसीक्यूज। किसी का भी क्वेश्चन नहीं लिखने का, टाइम बर्बाद करने का नहीं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो आंसर इन वन सेंटेंस आता है, आंसर इन वन सेंटेंस अंडरस्टैंड इट हैज टू बी ओनली इन वन सेंटेंस, यानी ये आपको टू द पॉइंट लिखना है। सो सपोज फॉर एग्जांपल आपसे इन जनरल पूछा गया, लेट्स से ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेशन, व्हाई? तो आपको इतना ही लिखना है क्योंकि ह्यूमंस के पास ब्लड वेसल्स है इसलिए उसको क्लोज सर्कुलेशन बोलते हैं। आप उसमें पूरा हार्ट का ब्रीफ आंसर लिखकर मत आओ। बहुत बच्चों की आदत होती है कि आंसर इन वन सेंटेंसेस में पता नहीं क्यों दो लाइन तीन लाइन चार लाइन भरते हैं, उसमें नहीं भरने का। हाँ, बट खाली एक तुमको टिप दे देता हूं, कभी कभी ना कोई कोई आंसर इन वन सेंटेंस में आपको लगता है कि ये वाला लाइन लिखना है कि ये वाला लाइन लिखना है, यानी दो आइडियाज में आपको कंफ्यूजन होता है। अगर ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो ना तो सबसे बेस्ट क्या करने का, दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाओ। सो दैट बेटर है कि उसका पार्शियल पार्ट अगर आंसर है तो एग्जामिनर वो सिलेक्ट कर लेगा और अगर दूसरा वाला पार्ट आंसर है तो एग्जामिनर वो सिलेक्ट कर लेगा, बट उस चक्कर में पूरा भर भर के चार पांच लाइन नहीं लिखने का, उसको आप ग्रामर से जोड़ के एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करो। दैट विल बी आंसर इन वन सेंटेंस। देन आफ्टर दैट बेटा जो दो दो मार्क के आंसर आते हैं, अच्छा एक रूल भी बता दूं, ये जितने एक एक मार्क के है ना इसको एक मिनट में फिनिश करने का, ओके एक मिनट में ये हो जाना चाहिए। अगर आप एक पूरा लाइन लिख रहे हो आंसर इन वन सेंटेंस का तो वो लाइन लिखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक मिनट ही लगना चाहिए। सो हर क्वेश्चन को एक एक मिनट में फिनिश करो और कभी भी जब आप टाइम देखोगे ना एग्जाम के में तो टाइम मैनेजमेंट में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि एग्जामिनर आपको नहीं बताना चाहिए कि भाई पेपर खत्म होने को आधा घंटा बाकी, ये आपको खुद पता होना चाहिए क्योंकि आपको टाइम हर थोड़े थोड़े टाइम में देखते रहने का। जिसमें से मैं एज अ टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट ये मानता हूं कि सबसे बेस्ट ये रहता है क्या करने का, मतलब जब एक पूरा सेक्शन हो जाए ना तब टाइम देखने का। जैसे मान लेते हैं सेक्शन वन में एमसीक्यू है, सपोज 10 एमसीक्यू है, तो मेरा माइंडसेट है 10 एमसीक्यू यानी क्या है 10 वर्ड ही तो लिखना है ना मेरे को, तो मेरा 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मेरा एमसीक्यू हो गया मैं टाइम देखेगा, मैं देखेगा अरे ये तो मेरा 6 मिनट में हो गया तो अच्छा है मैंने 4 मिनट बचा लिए, और अगर मैंने टाइम देखा कि अरे ये तो मेरा 15 मिनट में हुआ यानी 5 मिनट गया ना मेरा करेक्ट, तो मैं ट्राई करूंगा उस टाइम को एवरेज आउट करने के लिए या तो फास्ट लिखूंगा बाकी के आंसर या तो स्लो लिखूंगा। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट ये मैं मेंशन कर देता हूं कि आप टाइम रेगुलरली चेक करते रहो बच्चों, और वो भी स्पेसिफिकली एक एक सेक्शन के बाद। और इसमें है ना जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो 4 मार्क के होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं बच्चों, उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम निकाल कर ही रखना है। वो बच्चे बहुत ही बुरे सिचुएशन में होते हैं जिनको एग्जामिनर के थ्रू पता चलता है कि कितना टाइम बाकी है। अपने को ऐसा बेहोश होके नहीं लिखना है बेटा, देखो दिमाग से शांत रहने का बट फोकस्ड रहने का। हर सेक्शन के बाद आप देखो और एक अंदाजा लगा लो। जैसे मैं तुमको एक आइडिया देता हूं, बायोलॉजी में लास्ट वाला जो सेक्शन है वो 4 मार्क का आता है, 4 मार्क के कितने आंसर लिखने होते हैं तुमको? 3 लिखने होते हैं ना। अच्छा अब 4 मार्क के अपने को 3 आंसर लिखने हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एक आंसर को मिनिमम 10 मिनट देता हूं मिनिमम, तो उसमें मेरा 30 मिनट चले जाएगा यानी आधा घंटा। और मान लेते हैं सपोज मैं एक आंसर को अगर मैक्स टू मैक्स 15 मिनट देता हूं तो 45 मिनट चले जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं 30 से 45 मिनट को कंज्यूम करेगा। तो अगर मेरा 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में से मैं आधा घंटा तो मिनिमम निकाल के रखूंगा क्योंकि उतना टाइम तो लगेगा मुझे लास्ट वाला आंसर लिखने में। तो मैं हमेशा ये फोकस करूंगा कि जो भी टाइम है, सपोज अगर मेरा पेपर 1 बजे खत्म हो जाने वाला है तो मैं 1 बजे का टाइम नहीं कंसिडर करूंगा, मैं 12:30 का कंसिडर करूंगा कि 12:30 बजे तक मेरा सब लिख के हो जाना चाहिए, खाली लास्ट का आधा घंटा रखेगा मैं बड़े वाले आंसर्स के लिए।
और वो भी मैं टाइम बाउंडेड ही लिखेगा। अगर मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर है और मेरे को मालूम है 3 आंसर बचा है, तो मैं हर आंसर को 10 मिनट ही लिखेगा, फिर चाहे मैं उसमें कितने भी पॉइंट एक्सपांड करके लिख सकूं। सो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सब लोग याद रखना। देखो वो बच्चे बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं जो जब एग्जामिनर बोलता है ना कि अभी 15 मिनट बचा है, देखो 15 मिनट ही बचा है, आप ऐसे कैसे नादान स्टूडेंट हो सकते हो? आपको टाइम खुद पता होना चाहिए। वो एग्जामिनर बोल रहा है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है। देन यू रियलाइज अरे 15 मिनट बाकी है, मेरा तो अभी 3 मार्क वाला भी बाकी है, 4 मार्क वाला भी बाकी है। तो आपको वहां आके कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद अपने आप को बताना है बेटा। ओके, सो लर्न टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय योर सेल्फ। सो टाइम मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2 मार्क के आंसर में रिमेंबर दैट एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखो। कितने? एटलीस्ट 4 पॉइंट। सिमिलरली कैसा है ना कि हाफ मार्क 1 पॉइंट के पीछे, अगर आपके चारों पॉइंट एकदम वैलिड है। प्रिफरेबली चाहे 2 मार्क का आंसर हो, 3 मार्क का आंसर हो या 4 मार्क का आंसर हो, एक सजेशन मैं तुमको देता हूं कि व्हेनेवर यू आर इन डाउट, किसी भी आंसर में डाउट है ना कि यार ये आंसर इतना अच्छा नहीं आ रहा है या थोड़े ही पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट वो चैप्टर से रिलेटेड या फिर वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिख के आओ। जहां आपको एकदम क्लियर कट मालूम है, जैसे सपोज ब्रेन में कौन से मेनिंजेस पूछा है, तो आपको मालूम है उसके तो 3 ही लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर, करेक्ट? तो ये क्लियर कट हो गया। सो यू नो दैट कि इससे बढ़कर तो कुछ आएगा नहीं। बट अगर ऐसा कोई आंसर है जहां आप कंफ्यूज हो कि 1-2 पॉइंट याद आ रहा है, बाकी का पॉइंट नहीं याद आ रहा है, तो और 1-2 पॉइंट फॉर्म करके थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिख के आओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट व्हेनेवर यू आर इन डाउट ऑलवेज राइट मोर, कम लिख के मत आओ। नेक्स्ट, अगर आप ये देखोगे ना, बोर्ड एग्जाम ने अपने को ये तो एक रिलीफ दिया है कि उसने हर जगह अपने को ऑप्शन दिया। ओके, खाली वो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज और 1 सेंटेंस का ऑप्शन नहीं होता है, बट बाकी सब जगह ऑप्शन होता है बेटा। ओके, एमसीक्यू और 1 सेंटेंस लिखोगे ना, तो वहां से आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा। प्रेजेंटेशन में सबसे सिली बात ये है कि आपको कैंसिलेशन अवॉइड करना है। देयर इज एन एज ओल्ड सेइंग दैट कि जो दिखता है वो बिकता है। आपका है ना पेपर प्रेजेंटेशन, में आपसे एक बात कहता हूं बच्चों कि आपके पेपर का स्टार्टिंग का हार्डली 15 या 30 सेकेंड्स के लुक को लेके एग्जामिनर आपको जज करता है। स्टार्टिंग के 15 से 30 सेकेंड सिर्फ लुक को लेके, उसने जनरली आपका पेपर देखा, एमसीक्यू देखा, देखा स्टार्टिंग के 4-5 राइट है, हैंडराइटिंग प्रॉपर है, वर्ड्स एकदम अच्छे से स्पेस किया है, कोई काटम कोटी कैंसिलेशन नहीं है, कहीं ओवर क्राउडिंग ऑफ वर्ड्स नहीं है, वो आपको उधर ही जज करके बोलता है हाँ ये बच्चा ना ये मेरे को तकलीफ नहीं देगा। अंडरस्टैंड, बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखना इज लाइक कि यू हैव टू मेक वर्क इजी फॉर द एग्जामिनर सो दैट ही विल मेक वर्क इजी फॉर यू। अब इससे रिलेटेड 2-3 बातें बताता हूं। देखो पहला तो क्या बेटा, काटम कुटी करना नहीं, क्योंकि अभी कैसा ना कि हम लोग छोटे बच्चे की तरह स्क्रिबल नहीं कर सकते। 2 तरह के स्टूडेंट, एक जो लिखते फिर सोचते हैं और एक जो पहला सोचता है फिर लिखता है। कौन से कैटेगरी के होने चाहिए हम लोग? पहले सोचो, पढ़ो पेपर आराम से। देखो मैं एक बात कहता हूं, इस पर हमेशा अमल करना बच्चों, यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू स्टे फोकस्ड। शांत रहने का और फोकस रहने का, एकदम हड़बड़ाने का नहीं, एग्जाम में पैनिक नहीं करने का। होता है 3-4 क्वेश्चन लाइन से नहीं आएगा, ये सबके साथ होता है, बट कुछ बच्चे क्या ना हड़बड़ाहट के मारे वो 3-4 क्वेश्चन पूरा ही छोड़ देते हैं या दे स्क्रू देमसेल्फ, पूरा खराब कर लेते हैं। कुछ बच्चे ना कैसे थोड़े कनिंग होते, चालाक होते हैं, वो समझ जाते कि मेरे को नहीं आ रहा है, बट वो कोई ना कोई माइंड में मैनिपुलेशन लगाने लगते कि इससे रिलेटेड कोई तो वर्ड आता होगा, चलो ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं आता होगा, ये चैप्टर से रिलेटेड आता होगा, चलो चैप्टर नहीं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ तो आता होगा, और वो क्या कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड्स इधर उधर से उठा के दे फ्रेम इट, और वैसे बच्चों को अच्छा मार्क्स आता है। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, कई बार ये हड़बड़ाहट के मारे या डीमोटिवेशन के मारे हम छोड़ देते, अरे ये 2 मार्क का तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, छोड़ना क्या ट्राई करना, छोड़ देना, ये सबसे बैड नेचर है बच्चों। आई विल राइट दिस, दिस सेज दैट यू शुड अटेम्प्ट
ऑल क्वेश्चन, अगर देख बोला है अटेम्प्ट एनी 5 out of 8, तो पांचों अटेम्प्ट करना है। अब पांच में से देखो चार आ रहा है, पांचवा वाला कोई भी नहीं आ रहा है, तो भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन पकड़ लेकिन उसको अटेम्प्ट कर। देखो कितना सिंपल सा नियम है ना बच्चों, अगर तू कुछ रॉन्ग लिख देगा उसमें तो क्या तेरा मार्क्स काट लेगा क्या वो? नहीं, नहीं। बट अगर तू उसमें कुछ नहीं लिखेगा तो मार्क्स वैसे भी जा रहा है ना। लॉजिकली सोचो, अगर तुमने ऐसा लिख दिया, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट नहीं आता, छोड़ दिया, 1 2 तुमने लिखा अच्छे से, थर्ड वाला आता ही नहीं, तुमने खाली नंबर डाल के छोड़ दिया, डोंट यू थिंक दैट दिस वुड बी अ सुसाइड स्ट्रेटेजी? कि हमने हथियारी डाल दी ना, हमने एग्जामिनर को क्लियर कट बोल दिया। देखो कुछ नहीं लिखना यानी तुमने उसको पूरा अधिकार दे दिया एग्जामिनर को कि तू मेरे को यहां 0 दे दे। बट एज अगेंस्ट दैट, अगर मान लो स्टूडेंट दिमाग से एकदम सुलझा हुआ है, वो समझता है कि अरे नहीं आया मेरे को, बट क्या है, छोड़ के थोड़ी आएगा, फोकट मार्क्स जाएगा, फेल हो गया तो अगर पूरा साल बर्बाद होएगा, तो वो स्टूडेंट क्या सोचता है ना कि नहीं मैं इससे रिलेटेड कोई ना कोई टेक्निकल टर्म सोचता हूं, सोचता है वो 3-4 लाइन बना देता है। अब तुमने अगर उधर कुछ भी लिखा है, भले वो रॉन्ग भी है, बट तुमने एग्जामिनर पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना कि तू इसको कंसिडर कर और जितना लगता है मैंने लिखा है ना तो मार्क्स दे, देखो लगता है रॉन्ग है तो 2 में से आधा दे, राइट करेक्ट। तो ये होता है बच्चों, ये बात सब लोग याद रखना, और ये वाला पॉइंट मैं बहुत अच्छे से रिपीट कर रहा हूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाने का, भले न्यूज़पेपर की तरह एक बार पढ़ के जाओ उसको, लेकिन छोड़ के नहीं जाने का। और एग्जाम में जब पेपर लिखो ना, तब कोई भी आंसर छोड़ कर नहीं आने का, नहीं भी आता है तो भी लिखो, डू इट, डू वॉट एवर यू कैन बट राइट, कोई भी आंसर छोड़ना नहीं बेटा, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इज दिस मेकिंग सेंस? ओके, अब ये बड़ी बात को छोड़ के थोड़ी छोटी छोटी बात देखते हैं बेटा। देखो कैंसिलेशन में ना, पहली बात है, अगर कैंसिलेशन भी हुआ ना तो उसको ऐसा स्क्रिबल मत करना बेटा, ओके? आप अगर कोई वर्ड कैंसिल कर रहे हो तो सिंगल लाइन से कैंसिल करो। सेकंड, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि फर्स्ट पेज पे तो कैंसिलेशन करना ही मत, ये तो वही बात हो जाएगी कि आप होटल में जा रहे हो स्टार्टिंग में ही गंदगी है, यू गेट इट? So, जब एग्जामिनर आपके पेपर में एंट्री कर रहा हो, सोचो ना कि आपको पूरे लाइफ में 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम का जो मार्क्स रहेगा वो एक ही मौका मिलता है सामने वाले को बोलने का। हर जगह इंटरव्यू में लोग पूछेंगे डेफिनेटली 12th में कितना मार्क्स आया था, और वहां से लोग जज करने लगेंगे, तो वो मोमेंट को क्यों छोड़ने का, अच्छे से प्रेजेंट करो, काटम कुटी मत करो, और वर्ड्स को ओवर क्राउड भी मत करो, अच्छे से बीच में स्पेसिंग करके रखो। प्लस वो भी मत करो कि आप ऐसा कोई सेंटेंस लिखे, लेट्स से सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग That the brain controls our thinking, and then you're like, अरे control भूल गया, और control उड़ा दिए तुमने सब। अब ये सब childish होता है बच्चों, नहीं होना चाहिए। वापस से कह रहा हूं, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले लिखते फिर सोचते, और कुछ बच्चे बहुत क्लियर रहते हैं, वो आंसर पढ़ के पहले सोच लेते कि क्या क्या लिखना है इसमें। तो काटम कुटी मत करो, स्क्रिबल मत करो, अगर कैंसिलेशन हुआ तो फिर भी सिंगल स्ट्रोक, हर एक न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज पे लेना बेटा, ठीक है? और जितना भी पेज बच गया है ना उसको स्ट्राइक आउट कर देना, वो भी एकदम लास्ट में स्ट्राइक आउट करने का। मान लो अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बाकी, आपने जगह छोड़ के रखी है, तो ठीक है अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना चाहते हो, बट अगर आप एक्स्ट्रा नहीं अटेम्प्ट कर रहे ना तो उसको स्ट्राइक आउट करो। कैंसिलेशन और प्रेजेंटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक रूल बोलता हूं फॉलो करना इसको, कि आपके पेपर के स्टार्ट में जो हैंडराइटिंग है ना वो हैंडराइटिंग पेपर के एंड तक सेम होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो पेपर जब स्टार्ट होता है ना तो हमारा अच्छा हैंडराइटिंग होता है एकदम, और पेपर के एंड में कैसा, हम अचानक डॉक्टर बन जाता है बेटा, करेक्ट ना? तो कौन सा टैबलेट लिखा है वो फार्मेसी वाला ही जानता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप इसको समझने के लिए ये पॉइंट कंबाइन करो, पेपर चेक करो, पेपर रीड करो। पेपर आप रीड कर लोगे तो देखो आपके सामने ना एक हिसाब आ जाता है, आपको पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें से इतने आते हैं, इतने नहीं आते, और 3 घंटा है हमारे पास। तो आप अपने पेपर को प्रॉपरली एक फ्रेम बना सकते हो कि इतने टाइम में ये लिखूंगा, इतने टाइम में ये लिखूंगा, इतना टाइम ये आंसर जो नहीं आता वो सोचने में जाएगा कि इसका क्या बनाऊं मैं, गेटिंग इट बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडराइटिंग स्टार्टिंग का और लास्ट का कंसिस्टेंट रखना, और इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए इसका एक ही टैक्टिक है, दैट इज स्पीड।
अगर आपको आंसर आ रहा है ना तो उधर मेहंदी मत निकालो एग्जाम में, ठीक है, कि आराम आराम से कर्ल कर करके लिख रहा है तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। स्टार्टिंग से ही फास्ट लिखो, एकदम स्टार्टिंग से फास्ट लिखो, मेक इट अ पॉइंट दैट फिर वो राइटिंग कंसिस्टेंट दिखना चाहिए। स्टार्टिंग का 2 घंटा एकदम आराम से लिखा, लास्ट का 1 घंटा फास्ट लिखा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए बच्चों। और अगर मैं तुमको ये सजेस्ट कर दूं, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ना तो हर आंसर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लोड करो, जितना बाकी का स्टूडेंट लिख सकता है ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लिखो, जहां जहां डायग्राम्स पॉसिबल है वहां वहां पे डायग्राम्स ड्रॉ करना कंपलसरी है बच्चों। यानी अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा है, भले नहीं बोला है वहां पे, बट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सो ऐसे सारे पार्ट में फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन के साथ साथ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बेटा। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर अपने को ये वाला पूछा है कि अटेम्प्ट एनी 5 out of 8, सो इसमें आई मस्ट टेल यू दैट चूज योर आंसर वाइजली। अगर आपको 8 में से 5 लिखना है, बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि सर मैंने वो 5 लिख दिया बट सर वो जो 6 वाला था ना मेरे को और अच्छे से आता था, तो उधर क्या टाइम पास कर रहे थे? जब पहले तुम्हारे सामने 8 क्वेश्चन आया, 8ों को पढ़ो ध्यान से, उसमें से जो बेस्ट 5 आता है ना वो लिखो। और एक बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने में मत जाओ, फिजूल मत करो। हाँ, अगर तुमको ऐसा लगा कि एक आंसर थोड़ा यार बेकार लिखा है तो आप उसको कवर अप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा लिख के रखो, बट जितना हो सकेगा एक्स्ट्रा मत अटेम्प्ट करो। जितना पूछा है ना, 8 में से 5 ही लिखना है, 5 लिखो लेकिन तगड़ा लिख के हो एकदम। उसमें जितने तुमको कंटेंट आते हैं, जितना एक्स्ट्रा ग्रामर आता है, फ्रेम करो उसको, टेबुलर फॉर्म बनाओ, कोई ना कोई फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, बट उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चों का हड़बड़ाहट के मारे ये गड़बड़ होता है कि वो कोई आंसर स्टार्ट कर देते, देन दे रियलाइज अरे इसका 2-3 पॉइंट ही आ रहा है, और अब वो लोग ने वो आंसर स्टार्ट कर दिया और फिर उसके अगेंस्ट वो लोग देखते दूसरा आंसर, बोलते कि यार इसका तो 6-7 पॉइंट याद आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना मालूम है, हर सेक्शन के अंदर पहले जो सबसे बेस्ट आंसर आता है ना वो लिख लेना, जो सबसे बेस्ट आता है वो लिख लो, और फिर जो कम बेस्ट आता है ना उसको लास्ट लास्ट में लिखो बच्चों। और ये जब फॉलो करोगे ना तो इतना याद रखना, सीक्वेंस चेंज मत करना। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सीक्वेंस सेम ही रखना। अब इसमें मान लो 5 लिखना है 8 में से, तो तुमने पहले सेकेंड वाला लिखा, फिर फर्स्ट वाला लिखा, फिर फोर्थ वाला लिखा, वो चलेगा। सब क्वेश्चंस भले चेंज करो बट सीक्वेंस चेंज मत करना। एग्जामिनर बहुत ज्यादा कई बार फ्रस्ट्रेट होता है, और तुम अगर उसके पोजीशन पे होते, सोचो अगर तुम्हारे सामने 100-200 पेपर है और तुम उसको चेक कर रहे हो, जो यूजुअली सीक्वेंस में एक बच्चे ने सीक्वेंस बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा, पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, और उसमें से भी फिर जाके वो थर्ड का है ना सेकेंड वाला आंसर इधर उधर लिख रहा है, एग्जामिनर का काम अगर तुम मुश्किल कर दोगे तो वो तुम्हारा काम मुश्किल कर देगा। जिसमें से मैं ये पर्सनली मानता हूं कि मत सीक्वेंस बदलना, भले तुमको कोई भी चीज आती है नहीं आती, जगह छोड़ दो, लेकिन सीक्वेंस सेम ही रखो। उससे क्या होता है मालूम है, एग्जामिनर को ना पेपर याद भी हो जाता है, देखता है हाँ पहला एमसीक्यू आएगा, फिर 1-1 मार्क का आएगा, फिर 2-2 मार्क का आएगा, 3-3 मार्क का आएगा, 4-4 मार्क का आएगा, तो फ्लो में मार्क्स देते जाता है। अब तूने 1-1 मार्क का लिखा, फिर 4 मार्क का लिख दिया, फिर 3 मार्क का लिखा, फिर 2 मार्क का लिखा, तो वो जब कंफ्यूज होता है ना तो उसको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर उठाता है, बोलता है हाँ ये कौन सा, अच्छा ये वाला था, तो वो चिढ़ता है। मेनी टाइम्स एग्जामिनर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। तुमको एग्जामिनर को बहुत ही कंफर्टेबल रख के हल्के से अपना मार्क्स निकालना है उसके पास, तो ये याद रखना, कोई भी बच्चा सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा, आपस में भले चेंज कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। जब भी आप कोई भी चीज अटेम्प्ट करो ना तो क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क मार दो, इसी चलते। जब भी कोई भी चीज अटेम्प्ट करो ना तो क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क करो। सब लोग ये बात ध्यान से सुनना, इसका एडवांटेज देखो, हमारे पास ना ऐसा भी एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, कितना अनफॉर्चुनेट है, उसने क्वेश्चन पेपर पे देखा कि 8 में से ना अपने को 5 लिखना है, ठीक है, और उसको लगा कि वो 5 लिख के आया बट वो 4 ही लिख के आया था। ऐसा कभी कभी होता है ना, घाई घाई में छूट जाता है। तो देखो बच्चों, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, जैसे आपने फर्स्ट आंसर लिख दिया खत्म हो गया ना टिक कर देने का, ठीक है, और टिक करने के बाद आपने जैसे 5 कंप्लीट कर लिया 8 में से, ठीक है, तो वो सेक्शन के बाद देखो कि हाँ 5 हो गया ना, दैट इज बेटर।
तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखो कि आप हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को एक रेफरेंस चेकिंग के लिए यूज करो, जो जो होते जाए उसमें टिक मार्क कर लो। लास्ट, हमेशा अपने आंसर को चेक करो बेटा, सब हो जाने के बाद भी अगर टाइम है तो एग्जाम हॉल का इंटीरियर देखने से अच्छा है कि हम लोग भाई अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर वापस से चेक करें। क्या भरोसा एक आधा पॉइंट और एक्स्ट्रा याद आए तो कहीं ना कहीं लिखो, आंसर को और ब्रीफ कर दो, लेंथी कर दो। यू हैव टू चेक योर आंसर, और ये खास करके आपको मैथ्स और फिजिक्स में बहुत काम आएगा। कई बार हमको और आंसर चेक करना है, नहीं क्या मालूम है, आप देखो कई बार आपने शायद गिवन डेटा रॉन्ग कॉपी किया होगा तो शायद पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग जाएगा। कई बार फॉर्मूला राइट है बट उसके स्टेप्स में कैंसिलेशन में कोई इश्यू रहेगा, कैलकुलेशन एरर होगा, तो प्रॉपरली चेक करने का। यानी अगर अपन फिजिक्स पेपर लिख रहे हैं, अपना टाइम भी हो चुका है, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो जो थियरी आंसर है ना उसको बाद में चेक करना, पहले कैलकुलेशन वाला चेक कर लेना। और मान लो ऐसा कोई सम है जिसका आंसर ही आपको याद था क्योंकि आपने उसको बहुत बार सॉल्व किया, या तो भाई एग्जाम में जस्ट आने से पहले आपने वो न्यूमेरिकल देखा और आप मंदिर गए तो भगवान ने वही दे दिया आपको, तो आपको मालूम है इसका आंसर यही आने वाला है, तो उसको मत चेक करना। बट जो बाकी न्यू प्रॉब्लम्स है ना, तुझे पता है कि मैंने फॉर्मूला तो डाला, तो वापस से गिवन देख क्या है, टू फाइंड क्या पूछा है, फॉर्मूला क्या है, एक एक स्टेप को कंफर्म कर। और वो टाइम बच जाए, फिर भी टाइम बचा है, तब जाके थियरी वाला जो पार्ट है ना उसको क्रॉस चेक करने का। एम आई क्लियर विद दिस बेटा? अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में एक बात वापस से बोलता हूं, मेरा कोई भी स्टूडेंट ये मिस नहीं करेगा, बोर्ड एग्जाम में कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आने का। कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, बट आप उससे रिलेटेड, पेरिफेरली रिलेटेड, अनरिलेटेड चीजें लिखो लेकिन अटेम्प्ट करो। बायोलॉजी में खास करके देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि कोई कोई चीज के डायग्राम होते हैं और हमको डायग्राम नहीं आते होंगे। लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका डायग्राम नहीं प्रैक्टिस किया, तो आपको डायग्राम का जो इमेजिनेशन है ड्रॉ करो। सी सम स्टूडेंट्स ना शर्मा जाते हैं तो डर जाते कि अरे डायग्राम जैसा था वैसा नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, बट कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करो, क्योंकि वह एग्जामिनर पागल नहीं है, उसको मालूम है कि थियरी के साथ साथ डायग्राम में तेरा डायग्राम दिख ही नहीं रहा है तो काटेगा मार्क्स भर भर के। बट उसके अगेंस्ट उन्हें थोड़ा तो भी डायग्राम ड्रॉ किया ना, तो कंसिडर करेगा कि इसने ना आंसर के दोनों पहलू को सेटिस्फाई किया, डायग्राम भी ड्रॉ किया थियरी भी है। कभी कभी कोई कोई आंसर में अगर आपको कम पॉइंट्स आते रहेंगे ना बेटा, अब ये वाली ट्रिक ध्यान से समझ लेना, कई बार ऐसा फंस जाते हैं हम लोग कि नहीं आता, कोई क्वेश्चन ही टफ है, या तो अपना वो प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो आंसर में एक्सपेक्टेड है 6 पॉइंट, मुझे आ रहे केवल 2 पॉइंट, दो पॉइंट वो भी थोड़ा बहुत कच्चा पक्का याद आ रहा है। अब ऐसे टाइम पे ट्रबल मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए मालूम है, जो पॉइंट आते हैं ना उसको स्टार्टिंग में मत लिखो, उसको एकदम मिडल बॉडी में रखना, उसका हेडर और फुटर बना वो चैप्टर से रिलेटेड। यानी अगर मुझसे ये पूछा गया सपोज फॉर एग्जांपल लेट से ईसीजी क्या है, तो मेरे को नहीं मालूम उसमें पी वेव क्यूआरएस टी वेव नहीं याद आ रहा है, मेरे को खाली इतना मालूम है ईसीजी हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हार्ट अटैक है कि नहीं चेक करने के काम आता है, ठीक है, और उसमें ग्राफ आता है। तो मैं ना स्टार्टिंग पॉइंट में कैसे ना पहले ना एक दो लाइन हार्ट से रिलेटेड लिख दूंगा थोड़ा बहुत, हार्ट इज अ मस्कुलर पंप ऑर्गन, इफ इट फेल्स इट लीड्स टू हार्ट अटैक, एंड इफ इट इज अ हार्ट अटैक देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज कॉल्ड एज ईसीजी। यू गेट इट बेटा? देख कैसे ना कि मतलब जो आता है वो हथियार तुरंत डाल दूंगा तो एग्जामिनर तो एक्सपेक्ट करेगा हाँ स्टार्ट किया अभी, अच्छा खत्म भी हो आप समझ रहे हो ना, तो जो आता है ना उसको है ना व्रैप करके मिडल में रखना, और हेडर और फुटर यानी इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला पार्ट मे बी क्वेश्चन से उठा, चैप्टर से उठा या सब्जेक्ट से उठा, बट उसको उसके साथ कनेक्ट करना। बट मैं तुमको ये नहीं सिखा रहा हूं कि हर आंसर में फेंकने का हाँ अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट, मैं मेरे बच्चों को ये सिखा रहा हूं कि कभी कोई आंसर ऐसा होता है जिसमें अपने को नहीं आता है तो छोड़ के आने से अच्छा है कि अपने को उसमें लिखना है। हर आंसर में ना कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखने का, हर आंसर में टू द पॉइंट ही लिखने का, बट एक आध क्वेश्चन में जहां कुछ नहीं आ रहा उसको छोड़ देने से अच्छा है कि हम लोग उसको रिलेट करके कुछ ना कुछ आंसर फॉर्म करें। ये समझा सबको? यस सर। ओके चलो 2 मिनट्स टाइम, अगर इससे रिलेटेड या इन जनरल आपको और भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछो अभी बेटा, मे बी प्रिपरेशन या पेपर राइटिंग से रिलेटेड। सेक्शन मेंशन करना जरूरी है?
सेक्शन, हाँ सेक्शन आपको मेंशन करना है, वो भी कैसे मैं बताता हूँ। देख बेटा कैसा है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेट से जो भी क्वेश्चन नंबर दिया ना, सेक्शन ए या सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन टू, एक एक चीज लिखना है। और इनफैक्ट कीर्ति बेटा इससे रिलेटेड एक और बात बताऊं, बायोलॉजी में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सपोज जब भी कोई चीज सिर्फ डायग्राम आती है ना कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ओके, तो बच्चा क्या करता है, जैसे क्वेश्चन नंबर वन आंसर लिखा, अब क्वेश्चन नंबर टू में डायग्राम है तो पेन रखता है, पेंसिल उठाता है और डायग्राम ड्रॉ करना चालू करता है। और मैंने एज ए टीचर देखा है कि जब भी ये पेन रखना और पेंसिल उठाने वाली बात आती है ना, ये ट्रांजिशन आता है फ्रॉम पेन टू पेंसिल, उस टाइम पे बच्चा ना क्वेश्चन नंबर भूल जाता है। यानी जहां जहां डायग्राम है ना, बच्चा डायग्राम ड्रॉ करता है बट उसका क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता है। तो आपको हर एक डिटेलिंग लिखना है, सेक्शन भी लिखना है, उसका क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, और क्वेश्चन नंबर में सब क्वेश्चन कौन सा है वो भी लिखना है। अच्छा, एंड नीडलेस टू से वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, कोई भी आंसर रामायण महाभारत की तरह नहीं लिखने का, पॉइंट वाइज लिखने का, ठीक है, वो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप डायरेक्टली समझ लो, सब आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का। और बेटा प्रॉपर नंबरिंग वाले पॉइंट्स देने का उसमें, इसमें आप एबीसीडी मत लिखो, इसमें आप ऐसा डॉट डॉट, फिर वो पॉइंट्स को आप स्टार स्टार, हैशटैग हैशटैग, ये सब भी टाइम पास नहीं करने का एग्जाम में, ऐसा अनप्रोफेशनल नेचर बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप आंसर अगर पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो आपके आंसर को उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, अगर आप आंसर में ऐसा एबीसीडी ये सब लिख रहे हो तो उसको भी इतना वैल्यू नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल नंबरिंग 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखना, और इनफैक्ट अगर हो सके तो हर आंसर में ना बेटा एक्स्ट्रा टाइटल और सब टाइटल्स बनाने का। जैसे मान लेते हैं अगर हमसे पूछा सपोज फॉर एग्जाम्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें मैं ना सीधा ऐसे डिस्क्राइब कर करके 16-20 पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं एकदम स्टार्ट में लिखूंगा कि इसमें देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वजाइना, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब। फिर जब हर एक स्ट्रक्चर से चालू करेंगे तो उसके नीचे भी टाइटल बनाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, फिर एक टाइटल बनाऊंगा फंक्शन और इसके फंक्शन क्या क्या है। तो हर एक आंसर के अंदर एक मेन टाइटल, उसके अंदर छोटा मोटा टाइटल बना देगा, और लेंदी आंसर्स में ना उसको फर्दर इस तरीके से स्प्लिट करो, ये बहुत अच्छा होगा। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ओके, और कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए प्लीज, और कोई डाउट? अच्छा, इतना सबको समझाना बेटा, चलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर और भी कोई डाउट होता है ना तो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल ओवर हियर, तो हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। अभी आने वाले सारे पेपर्स में सारी बातें फॉलो कर लिया, ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बंद कर।